सर ऐसी कोई बात ही नहीं है, मैम आपको पता है यो ते वेचे इस तरह की दो तीन चीजा पड़ी है। ए क्या सर तू इतने बैठा है, क्यों बैठा है? क्योंकि वासे आया है, वासे ने ते कमाल कर देता है, चादर लेके बुरा हाल कर देता है। रामेश जी क्या इतना ही आसान होता है जैसा इन्होंने किया? मुझे मुश्किल लगता था वैसे, लेकिन जिस तरह से इन्होंने किया है इस चीज को, तो आई थिंक हर कोई कर सकता है। आपको भी सिंगिंग का शौक है? जी था, बहुत ज्यादा। अब क्या था में चला गया वो? ना टाइम नहीं मिलता सिंगिंग करने, सिंगिंग के लिए बड़ा वो डिसिप्लिन चाहिए होता है, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस और बहुत ज्यादा रियाज और ये और वो और टीचर, उसके लिए टाइम बड़ा चाहिए। मगर आपने ये सब कुछ किया हुआ है? किया हुआ है, टीचर रियाज व्याज सब कुछ, सब कुछ सब कुछ। तो बचपन से क्यों नहीं? देखिए शायद अब मौका मिलेगा तो मे बी आई विल गो बैक इनटू इट। मौका तो आज ही मिलेगा आपको इंशाल्लाह। आप नहीं, आप तो कुछ नहीं होगा, आप तो शहजादी हैं ना, आप तो हमारी आंखों का तारा हैं। ओए होए होए होए, वैसे ही आपके नाम के ऊपर भी आपको बहुत एक नोटिसबिलिटी रही है आपकी जिंदगी में, ये नाम की वजह से। इस नाम की वजह से? हाँ, मतलब एक और नाम था एक बड़ा, ये मुझे तो बड़ा अच्छा लगता था बचपन से। अच्छा तो लगता है लेकिन बड़ा हमेशा। व्हाट डू यू थिंक, ऑड नाम था? मैं तो बचपन में कहती थी कि मेरी बेटी होगी मैं उसका नाम भी तारा रखूंगी। क्या बात है, मुझे अच्छा लगता था। अच्छा, यानी कि ये कोई खास वजह इसकी? नहीं, वैसे ही आपने कहा एक और रिपीट टेलीकास्ट नाम की। जब आप इस फील्ड में आई थी तो सिर्फ एक ही और तारा थे आपके साथ में, याद है इस्माइल तारा साहब, नसीब करें, एंड वी ओनली हैड टू तारास। और हम एक ही सेट पे थे और मुझे याद है मेरे इस्माइल तारा साहब, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, मैंने उनसे कहा तारा साहब ये तो क्या हो रहा है, सारे आपको तारा साहब बुला रहे हैं तो मुझे ये लोग क्या बुलाएंगे, यू नो, तो तुम भी तारा साहब हो। नहीं बिल्कुल, बड़ा एक हमेशा से आई थिंक आपका नाम बहुत स्टैंड आउट करता है, क्योंकि ना इस नाम की और खातून है हमारी फील्ड में। फील्ड में तो नहीं है लेकिन अब मैंने देखा है कुछ बच्चों एक दो और तारे नजर आए हैं आपको, एक दो और तारे नजर। अच्छा कितने तुझे फंक्शन करन गए तो उन्होंने क्या वे पाया ना, जाओ किसी बड़े नू भेजो। एक टाइम तक ही होता था कि आप क्या किसी के साथ आए, अब एक्सेप्ट करने लगे। हाँ, कोशिश कर रहा हूँ कि एक्सेप्ट करें। मगर आपने कहा वालिद आपके शायर हैं तो शायरी का शौक नहीं आपको हुआ? वैसे भाई आई थिंक शायरी का ही एक फॉर्म है जो आप रैप में भी करते हैं, क्योंकि मैं रैप में नाजेबा बातें नहीं करता, मतलब थोड़ा सा जरा उसको फैमिली ओरिएंटेड ही रखता हूँ, लेकिन वो आई थिंक मॉडर्न टाइप ऑफ पोइट्री जो है ना वो रैप मेरे हिसाब से होती है, क्योंकि शायरी है लेकिन आप शायरी को एक फ्लो में कर रहे हैं और थोड़ा सा मतलब एक इनफॉर्मल लैंग्वेज में कर रहे हैं, तो वो आई थिंक टाइप ऑफ पोएट्री ही है, तो वो शायरी की ही। आपका अपना रैप जो कि आपको बहुत पसंद हो? बिल्कुल, काफ़ी चीज़ें लिखी हैं, बाकियों के लिए भी लिखी हैं लेकिन वो थोड़ी गाने वाली हैं, तो गाने मैं अवॉइड करता हूँ क्योंकि रैप वाली आवाज़ में जब आप गा रहे हो तो बहुत भद्दी सी निकल के आती है। वैसे मैंने एक लिखा था पाकिस्तान स्पोर्ट्स अवार्ड्स का एंथम था, जिसमें आसिम अज़हर था, आयमा बेग थी और मैंने उसमें रैप किया था। क्या था वो? तो वो सारे हमारे जितने स्पोर्ट्स हीरोज़ हैं उनके लिए लिखा था, और कुछ ऐसी उसकी लाइनें थी कि सलाम सबको जो मुल्क की पहचान बने, सलाम सबको जो मिट्टी की मान बने, जैसे सब परचम में चांद और सितारा हो, सलाम सबको जो परचम की शान बने, खान का हौसला मैं वसीम की स्विंग हूँ, बानवे का वर्ल्ड कप मैं चैंपियंस ट्रॉफी की विन हूँ, लाला और पिंडी एक्सप्रेस का जुनून जैसे, बाबर की ड्राइव मैं सनामीर की स्पिन हूँ। सनामीर की स्पिन हूँ, वासे मेरा मोबाइल और उसकी मैं सिम हूँ। इसका वो नहीं था, तुमने अभी बच्चे का रैप खराब किया। आपको भी है रैपिंग वगैरह का शौक? नहीं नहीं, लेकिन मुझे सुनने का बहुत शौक है। सुनने का शौक है, समझ आ जाती है, मुझे तो कई बार समझ ही नहीं आ रहा था रैप। आ जाते हैं, ये पाकिस्तानी के जो नए म्यूजिशियंस आ रहे हैं बहुत अच्छे हैं। हां ये लड़के हमारे जो हैं वो धीमी आंच पे रैप करते हैं, लेकिन रैप हुंदा भी अकलमंद वास्ते, तुसी का तो सुनदे जे। वैसे यार कभी बंदा समझने के लिए कर ही लेता, मगर जो अंग्रेजों वाला रैप है वो तो समझ ही नहीं आ रहा। बाकी भी हां मुझे नहीं आ रहा होता, बहुत कम समझ आता है, लाइक वो इतनी तेज कहीं वो, और एक वो कौन से वाले भाई 50 सेंट्स वाले हैं वो जो बहुत तेज बोलते हैं, एमिनम 50 सेंट ये सारे। नहीं एमिनम भी फिर थोड़ा इंसानियत पे रहता है, वो 50 सेंट वाला जो है वो तो बिल्कुल ही बेदीद हो जाता है। सारा बसां दे जिहड़े ना फक्की फुकी बेचदे ने सुरमा, वो भी रैप करदे ने नाल। मेरे वालों सारे भैन भरावां नूं सलामे, जागतां बुजुर्गां ते मायां नूं सलामे, कारी वाला कुझे रख लोवेगा, सप्पां वाला बाबा तुसीं सुणिया ते होवेगा, बच्चा बच्चा सप्पे नूं सियाण दा, सुरमा मैं वेखदा सारा जग जाणदा, किधरे ना इस सुरमे दा जोड़े, सत्तां वीआं बूटियां दा अर्घ नचोड़े। वेलकम बैक, जी रीच। रामेश, अक्सर हम आर्टिस्ट को सुनते हैं सैड सॉन्ग के लिए, पोइट्री या पेंटिंग के लिए, उनका दिल टूट जाता है, ये असल में टूटता है या वैसी फीलिंग ले रहे होते हैं? आई थिंक जरूरी होता है हर आर्टिस्ट के लिए, बेशक वो एक्टर हो या सिंगर हो या राइटर हो, कि आपका दिल टूटा हो या आप पे कोई भी आपके साथ वो गुजरी हो बात जो आप लिख रहे हैं। आपका किस बात पे दिल टूटा? जिस बात पे आई थिंक टूटता है सबका। जिस बात में नहीं, बात पे मैं कह रहा हूं, जिस बात में थे और किसी बात पे टूट। वैसे आपका भी दिल टूटा हुआ है? बिल्कुल, आई थिंक सबका ही टूटता है। आखिरी बार कब टूटा? काफी जमाना हो गया अब तो। अच्छा, पहली बार कब टूटा? काफी जमाना हो गया। काफी जमाना हो गया।
आई थिंक स्कूल में ही तोड़वा लिया था। हाँ जी, क्योंकि आपको लगता है कि मतलब मोहब्बत हो रही है, जिस तरह मूवीज में देखते हैं कि सब कुछ सही जा रहा है, लेकिन आप मूवीज देख देख के खराब हुआ है, कॉलेज में तोड़वा गए नहीं, उसके बाद स्कूल में फिर कॉलेज, मतलब वो बारी बारी फिर आपको एक होता रहता है, बारी बारी आप तोड़वाते रहे। मैं उस तरह का बच्चा था जो कभी भी अप्रोच करके या किसी को जाहिर करके ये बात करने की हिम्मत नहीं रखता था। तो फिर कैसे टूटता था? दिल में एक फीलिंग्स आती थी। अच्छा। और फिर बाद में आगे से पता लगता था कि उनका कोई और मामला है। आपने एक कॉलेज यूनिवर्सिटी छोड़ दिया है ना? पढ़ लिया है मैंने, डिग्री भी किया और बड़े अच्छे नंबर से किया, यानी कि सिर्फ मैं इसी मामला में रहता था। हाँ, पढ़ाई भी बहुत गौर से करता। तो आप हार्ट ब्रेक पे ज्यादा गाने लिखते हैं? मोस्टली मेरे आई थिंक हार्ट ब्रेक पे होते हैं, क्योंकि उसकी एक वजह ये भी है कि हमारी आवाम उससे बहुत रिलेट करती है। कोई खुशी का लिख दें तो उस पर आगे फिर बुरा भला कहने लग जाते हैं कि यार कि मतलब हम रिलेट नहीं कर पा रहे इससे, क्योंकि खुशियां कम है अनफॉर्चुनेटली, हार्ट ब्रेक ज्यादा है हमारी सोसाइटी में। ओए होए। तो हम कोशिश करते हैं उसी नफ्स को पकड़े। बड़ा तारा, एक अजीब सी ऑब्जर्वेशन नहीं है कि जो गम पे गाने लिखते हैं वो ज्यादा रिलेट करते हैं, खुशी वाले पे तनकीद करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, जैसे माइनर नोट्स जो है वो ज्यादा फील होते हैं, जो मेजर नोट्स है वो नहीं फील होते। मैं नोट्स की बात कर रही हूं, लाइक म्यूजिकल नोट्स जो है, राइट? बिल्कुल ऐसे ही, ए माइनर इज लाइक वन ऑफ द बी माय फेवरेट। तो लेकिन मेरे लिए आपने कोई रैप ऐसा बनाना, क्योंकि मैं शादी करना चाहता हूँ, शादी हो नहीं रही मेरी। ओए होए, तो इसका रैप से क्या ताल्लुक है? सर, गाना ऐसा होगा जो मैं याद करूंगा, मैं सुनाऊंगा। आप खुद इतनी अच्छी रैप कर लेते हैं? आई थिंक जिस तरह से आपने किया उसके बाद मैं थोड़ा ये इस तरह किया था, तो यकीन करें मेरे जवाब हुआ है। जिस लड़की को मैं बोलता हूँ, जैसे ये देखे, अरेज आप मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। नहीं, लेकिन आई थिंक आर्टिस्ट के साथ ये भी हो तो बड़ा जरूरी होता है। अब आपका आई थिंक दिल टूटा है ना? सर एक मरतबा होता, दो मरतबा, 6 लाख वारी हो जाए तो नहीं ना अंदर से, अब फिर मुश्किल हो जाता है। हाँ जी, मैंने तो रिश्ता करवाने वाले कहते हैं नहीं काका तेरा नहीं होना। ये मेरे साथ चल रहा है, तो थोड़ा सा मशवरा आप दे दे। तारा जी, आपको किस तरह मैं कहूँ, क्या कहूँ, मुझे समझ नहीं आ रही। ये ना कहे कि मुझे आप पसंद हो, आप ये कह सकते हो कि मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। वो तो मैंने कहा, आपने तो सवाल भी नहीं पूछा आगे से। नहीं। बहुत कम लोगों को पता है आप ट्विन सिस्टर्स हैं, बहुत ज्यादा रिजेम्बलेंस है मैंने देखा है। तो आपकी जगह उन्होंने कभी कोई शूट कर लिया हो या कोई? नहीं नहीं, शूट तो नहीं किया, लेकिन बचपन में हम लोगों को बहुत तंग करते थे, दोस्तों को बहुत तंग करते थे। जिस तरह मेरी जगह वो जाके बैठ गई और फिर वो प्रटेंड कर रही थी कि वो मैं हूँ, फिर जब मैं पीछे से मैं आ जाती थी तो सीरियसली उनका जो यू नो फेस है ना, बिल्कुल वाइट हो जाता था कि हमने कोई गोस्त तो नहीं देख लिया। काफ़ी लोगों को डराया हमने इस तरह। और अभी तक आप करती हैं? नहीं, अब तक गई दोनों। ये अमीर लोगों में होता है कि एक जैसे हो जाती बहनें, जैसे गरीब लोगों का खानदान जो कोई हो जाऊंगा। जी आप प्लीज पूछिए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम जेबुनसा है और मेरा सवाल सर रामिस से है कि पहले जो सिंगर्स आते थे उनके सॉन्ग्स एक दो एल्बम्स के आने के बाद हिट होते थे, लेकिन अब कोई भी सिंगर आता है उसका पहला सॉन्ग सोशल मीडिया पर हिट हो जाता है, इसकी क्या रीज़न है? आई थिंक इसकी रीज़न आपके सवाल में थी कि सोशल मीडिया सबसे बड़ा जो फैक्टर है, क्योंकि पहले जो हमारे जितने भी बैंड्स होते थे या सिंगर्स होते थे उनको सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म इस तरह से नहीं मिलता था। मार्केटिंग जाके खुद करनी पड़ती थी, सीडी स्टोर्स में जाके करनी पड़ती थी, ऑन ग्राउंड करनी पड़ती थी। अब तो ये है कि आप इतना सिंपल है, अपलोड करें ऑनलाइन और ओवरनाइट आजकल आप देख रहे हैं गाने हिट हो जाते हैं। तो सोशल मीडिया की वजह से आई थिंक जो एक मिसिंग ब्रिज था वो कंप्लीट हो गया और ऑडियंस तक बहुत ईजिली चीज़ें पहुँच जाती हैं। तो इस वजह से आई थिंक आज के स्टार्स बहुत वाइडली और बहुत इजीली हिट हो जाते हैं रादर देन जो पहले जमाने के मामला थे। तो सोशल मीडिया आई थिंक इज द आंसर फॉर योर क्वेश्चन। तारा ये बताएं, यू यूज्ड टू वॉच पाकिस्तानी प्लेस? नहीं। उनमें एक्टिंग करने से पहले? नहीं, नहीं देखते थे। देखो आपने एक्टिंग सिखाई है, आपको याद नहीं? नहीं, मगर मेरा सानू तो इन्होंने मोटरसाइकिल नहीं सिखाया था। आप देखती नहीं थी, तो अब आप जब खुद काम कर रही होती हैं और पाकिस्तानी प्लेयर्स के अंदर एक सर्टेन टाइप का योनरा है, सर्टेन टाइप की एक्टिंग है, सब देखती हूं। अब देखती हैं आप? बिल्कुल देखती तो हूं। कभी आपको लगता है कि कोई आपका मेमोरी बैंक जो है उसके अंदर आप चीजें टटोलती हों कि ये मैंने फलां देखा था ड्रामा, ये कैरेक्टर वैसा है या फलां ने ऐसे किया था? बचपन में सिर्फ हमने पाकिस्तानी ड्रामे देखे हैं, यू नो बचपन में आई ग्रू अप लुकिंग एट पाकिस्तान। तो कभी कभार मैं जब अभी ड्रामे देखती हूँ या जब मैं खुद भी कर रही होती हूँ तो मुझे वो पुराने ड्रामे याद आते हैं, धूप किनारे याद आ जाता है। जब मरीना खान के साथ काम किया तो धूप किनारे तो बहुत याद आया था कि ओ माय गॉड ये ऐसे बोलती हैं, ओ माय गॉड हमने बचपन उनको देखा था। तो आई एम ह्यूज फैन ऑफ हर्स। सो हाँ, जब इस तरह के एक्टर्स के साथ काम करते हो तो कुछ चीज़ें याद आ जाती हैं, उस वक्त याद आती हैं, उस वक्त याद आती हैं। ठीक जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम इकरा नदीम है और मेरा सवाल सर रामिज से है। आपके घर वालों ने तो बहुत से जिन देखे हैं, क्या आपका कभी किसी जिन से सामना हुआ है? सवाल बहुत होता है मेरे से, क्योंकि मेरी छोटी बहन है जो मीरब, वो आई थिंक इंटरव्यूज में और पॉडकास्ट में बहुत खबर फैला रही होती है कि हमारे घर में जिन है जिन है, जिस वजह से कोई घाक नहीं बचा घर लेने वाला। सबको लगता है कि जिन वाला घर है। एक घर किराए से लिया, अद्धा किराया देंदे, अद्धा जिन देंदे।
बात ही काफ़ी मशहूर हो गई है और वाकई बहुत मतलब इतनी मशहूर हो गई है कि मेरे दोस्त वगैरह घर जो रुकने आते हैं वो नहीं ठहरते, मतलब ऊपर के पोर्शन में कि वहाँ पर इतनी खबर फैलाई हुई है मेरी बहन ने कि वहाँ जिन्हें, लेकिन ऐसा मेरे साथ तो नहीं कभी हुआ, लेकिन अल्लाह करे ऐसा ना ही हो। सर जिस तरह का ताड़ा खुलिया जिन आपस गल करते इन्होंने छोड़ो है भी जिन कौन है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हसनैन है। मेरा सवाल मैम से है कि आपके फादर पॉलिटिशियन हैं, तो इन फ्यूचर आपका कोई प्रोग्राम है पॉलिटिशियन में आने का? इस तरह के मुंडे किसी का पता लैन जाए तो आप दाखिल हो जाते हैं। कोई पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट आपका है आगे फ्यूचर में? नहीं, जिस तरह के मैं क्या कहूँ, बट जिस तरह के हालात चल रहे हैं मेरा ऐसा कोई इंटरेस्ट नहीं है। कोई इंटरेस्ट नहीं है जी इस किस्म के हालात में। अब क्यों सिंगल क्यों है ये तो मुझे पता था, ये तीसरा शो है ना मेरे। हाँ, मुझे आज बता के जाए कि वजह क्या है। गहरी में आज सोच कर भी आई थी। हाँ, मुझे जवाब इस बार आपने पूछा, मैं कहूंगी आपको मैं हंसती खेलती बुरी लगती हूँ। हाँ, नहीं तो तुम भी इस तरह दी चादर लाके फिरो।